बुरहानपुर जिले में टमाटर के बाद अब कोतमीर ने रसोई का बजट बिगाड़ना शुरू कर दिया है। कोतमीर 200 रुपए किलो बिक रहा है तो वही अदरक लहसुन भी 200 रुपए किलो पर आ गए हैं, जिससे अब लोगों का रसोई का बजट बिगड़ना शुरू हो गया है। पिछले माह टमाटर के भाव आसमान छू रहे थे, लेकिन आज वही टमाटर 10 रुपए किलो में बिक रहे हैं। इन दिनों कोतमीर 200 रुपए किलो बिक रहा है, जो पिछले माह 70 रुपए किलो तक बिका है। बेमौसम बारिश होने से कोतमीर के 3 गुना दाम बढ़ गए हैं, जिस कारण गरीब की रसोई से कोतमीर गायब होता नजर आ रहा है। सब्जी विक्रेता मोहसिन खान ने जानकारी देते हुए कहा कि इन दिनों कोतमीर के दाम आसमान छू रहे हैं, अब गरीब की रसोई से कोतमीर गायब होने लगा है। 200 रुपए किलो तक यह बाजार में बिक रहा है, 3 गुना कोतमीर के दाम में एक माह में ही बढ़ोतरी हुई है। बुरहानपुर मंडी में अधिकतर कोतमीर निमाड़ क्षेत्र से आता है, यहाँ पर अदरक लहसुन के दाम भी बढ़े होने के कारण अब रसोई पर मार पड़ रही है। 200 कब से महंगा हो गया ये? 15 दिन हो गए, 8-15 दिन हो गया भैया, माल नहीं आ रहा, खराब हो गया पानी से। बजट बिगाड़ दिया मतलब रसोई का कुछ मेरे ने? अब माल की आवाज के ऊपर है ना, आवाज बंद गई, धनिया खत्म हो गया, खराब हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप सुखेगा। किलो महंगा हो गया अब रसोई से गायब होता नजर आ रहा है कोतमीर भैया, बहुत महंगा हो चुका है। कोतमीर के जो रेट है फिलहाल 200 से 300 रुपए किलो हो चुके हैं। जो रसोई का स्वाद है वो बिगड़ चुका है कुल मिलाकर। पहले टमाटर ने बिगाड़ा था आप? हाँ, पहले टमाटर के रेट आसमान छू रहे थे, टमाटर सस्ता हुआ है तो अब कोतमीर के रेट आसमान छू रहे हैं। क्या महंगाई के पीछे क्या कारण है, कोतमीर नहीं आने के पीछे क्या? कहीं ना कहीं फसल का मामला लगता है मुझे तो, कुछ फसल की वजह से जो है तो नुकसान हो रहा है। बारिश बेमौसम हो रही है, बारिश जो हुई है ना बीच में कंटिन्यू बारिश की वजह से कोतमीर जो है तो जो फसल निकलने वाली थी वो फसल खराब हो चुकी है, इसलिए उसके रेट आसमान पहुँच। अपने यहाँ कहाँ कहाँ से आता है? ज्यादातर कोतमीर निमाड़ से आता है अपने। अभी क्या है किलो बिक रहा है? अभी फिलहाल जो है 200 रुपए का रेट है। क्या नाम आपका? मोहसिन खान।